एक जिले को 50 करोड़ भी नहीं मिल रहे, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। हम बना रहे हैं 18 से 20, 17 से 20, 16 से 20 चल जाता है, लेकिन 5 और 20 नहीं चल सकता, और इंशाल्लाह नहीं चलेगा। ये हम कह रहे हैं, इस फ्लोर पे बोल रहे हैं, ये हमारी मुश्तरका कैबिनेट का, हमारे इत्तेहादी जमातों का, सबका ये फैसला है कि बलूचिस्तान के हर अजला कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक इक्वल तरीकेकार से खर्च होगा, और उसी हलके में और उसी डिस्ट्रिक्ट में ही खर्च होगा। उसका तरीका अब क्या होगा, बहुत सारी स्कीमात ऐसी हैं जो प्रोविंशियल है, बहुत सारी स्कीमात ऐसी हैं जो डोनर इदारों ने पैसे दिए हैं, बहुत सारी स्कीमात ऐसी हैं जो वफाक ने दी हैं, बहुत सारी स्कीमात ऐसी हैं जो सूबे और वफाक मिलके कर रहे हैं। हम उसका फॉर्मूला बना रहे हैं, हम हर लिहाज से उसको स्प्रेड आउट करेंगे कि अगर एक जिले के अंदर सूबाई हवाले से ज्यादा खर्च हो रहा है तो हम वफाक की या दूसरी स्कीम एक और जगह ले जाएं जहां वहां वो कंपनसेट हो, और जहां पे वो कंपनसेट नहीं हो रहा वहां पे डिस्ट्रिक्ट हवाले से कुछ हो जाए। तो आखिर में हर डिस्ट्रिक्ट का जो इक्वल फाइनेंशियल क्लोज आएगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। कुछ अजला यकीनी तौर पर इस तरह के होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, ग्वादर की आज रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, कल को चमन की डिफरेंट होगी, खुजदार की डिफरेंट होगी, नसीराबाद के बॉर्डर एरियाज की डिफरेंट होगी, लसबिला की कुछ हद तक डिफरेंट होगी, वो कुछ ऐसे आपके इलाके हैं जहां की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होगी। लेकिन उससे हटकर इन सब को मिला के भी इंशाल्लाह ये कैबिनेट ने ये डिसीजन अपना लिया है कि हम ये बराबरी की तकसीम हर जगह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा है, माजी में भी पीएसडीपी बने, माजी में पीएसडीपी कभी किसी कैबिनेट में डिस्कस ही नहीं हुआ है। चार लोग डिस्कस करते थे, पीएसडीपी का 60% अपने अपने अजला में ले जाते थे, बाकी किसी को मिलता नहीं था। आज हम सब कोलिशन के मेंबर, सारे मेंबरान बैठ के पूरे सूबे का प्रोग्राम बना रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जॉब्स का भी इसी तरह है, जॉब्स के रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अगर हम तब्दील करें उसका फायदा आपको भी मिलेगा, बल्कि हम सब इस पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मिलेगा। पहले सारे क्वेटा आते थे, ख्वार हो रहे, हजारों लोग कागज लेके फिर रहे हैं, किस किस पोस्टों के लिए, छोटे छोटे पोस्टों के लिए, पोस्ट किधर है उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में। पहली दफा हमने कमेटीज बनाई हैं कि ये इंटरव्यूज, ये टेस्ट, ये सारा तरीकेकार उसी जिले में होगा। किसको फायदा मिलेगा, उसे गरीब को मिलेगा जो शायद 2000 का एक एप्लीकेशन भी नहीं भर सकता, अपने जिले में होगा, अपना खाएगा, अपने मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, किराए करके जाएगा, दफ्तर में कागज डालेगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, फिर अपने घर जाएगा। किसको फायदा मिलता है, जॉब्स इंशाल्लाह मिलेंगी इसी तरह और इसी क्राइटेरिया पे मिलेंगी, काम मिलेगा, तरीकेकार इसी तरीके से मिलेगा जो मैंने आपको बताया है।